हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज एट वी टू सक्सेस। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 2021 फ्रॉम जैन टू जून। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, क्योंकि अगर हम 6 मंथ के करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे सब बच्चे बोर भी हो जाएंगे। इसलिए हम इस वीडियो को पार्ट्स में लेकर आए हैं। तो वीडियो को अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आने वाले और पार्ट्स और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज बीन ओपन इन विच स्टेट। जो इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क है वो कौन सी स्टेट में ओपन किया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडियाज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर विल सेट अप इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो फ्रेंड, हाईएस्ट की बात हुई है, एक हाइट की बात हुई है, तो ऑप्शन देखकर आप गेस करके भी इसका ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो क्या होगा वो? इसका करेक्ट ऑप्शन लद्दाख। नेक्स्ट हमारे पास, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट मेड ऑफ वुड 2023। अब ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है वो जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं और अपना एक फर्स्ट सैटेलाइट जो कि 75-80% वुड का बना हुआ है, और वो 2023 तक इसको लॉन्च भी कर देंगे। अभी डेवलप की बात की जा रही है, तो किसने किया है वो, क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है जापान। किसके साथ मिलकर किया है? तो वो किया है सुमितोमो फॉरेस्ट्री एंड क्योटो यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, हैज बीन ऑनर्ड विद तानसेन सम्मान एट द 96th तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल। तो फ्रेंड्स, देखिए, इस क्वेश्चन में से हमारे दो क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक तो ये कि इस बार का जो म्यूजिक फेस्टिवल था वो कौन से नंबर का था, तो वो थे 96th नंबर का, और तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो है पंडित सतीश व्यास जी, इन्हें सम्मानित किया गया है तानसेन सम्मान अवार्ड से। इंडिया इथेनॉल प्लांट विल बी सेट अप इन विच स्टेट। जो इंडिया का सबसे पहला इथेनॉल प्लांट है वो कहाँ लगने वाला है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? इसका करेक्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़। Which of the following ministry has recently launched Global Pravasi Rishta Portal and App? तो किसने किया? Ministry of Sports, Ministry of Information, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हु लॉन्च द फर्स्ट एडिशन ऑफ एग्री इंडिया हैकाथन। तो फ्रेंड्स, एग्री का मीनिंग यहाँ पर हो गया एग्रीकल्चर, और जो हैकाथन है इसका मतलब है कोई भी चीज जो बड़े लेवल पे की जा रही हो। तो किसने लॉन्च किया ये? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किरण रिजिजू या नरेंद्र सिंह तोमर। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो इन्होंने ही लॉन्च किया है एग्री एंड हैकथन, जो कि इसका फर्स्ट एडिशन हो रहा है इन 2021। व्हिच स्टेट हैज लॉन्च किसान फसल राहत योजना। तो कौन सी सरकार ने, कौन से स्टेट की सरकार ने शुरू किया है किसान फसल राहत योजना? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या बिहार। तो ये किसने शुरू किया है? तो ये किया है झारखंड ने। नेक्स्ट हमारे पास है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिसेंट में, हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है आरबीआई ने। किसने किया है फ्रेंड्स? आरबीआई ने। Recently, who has released the first issue of National Police K9 magazine, जो कि किसके concerning में हुआ है? Dogs के concerning में हुआ है। किसके द्वारा किया गया है ये पूछा गया है? नरेंद्र मोदी,
हरदीप सिंह पुरी, रामनाथ कोविंद या अमित शाह? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अमित शाह। Who developed the method of treatment of eye cancer as the first indigenous ruthenium 106 plaque? तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये डेवलप किया गया है बार्क। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके द्वारा डेवलप किया गया है ये ट्रीटमेंट जो कि आई कैंसर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, कंट्री हैज मेड चेंजेस इन इट्स नेशनल एंथम। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अपने नेशनल एंथम में चेंजेस लाए हैं? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान या ब्राजील? तो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका ऑस्ट्रेलिया। स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन डिजी नेस्ट? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन डिजी नेस्ट? तो फ्रेंड्स ये की है पंजाब ने। Which minister has launched missed call facility for LPG? अगर अब आपको सिलेंडर बुक करवाना है तो उसके लिए आपको टोल फ्री नंबर पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक मिस कॉल करनी है और आपकी जो LPG की है वो बुकिंग हो जाएगी। तो ये किसने शुरू किया है? तो ये किया है हमारा धर्मेंद्र प्रधान जी ने। जैसे कि आपको पता है हमारा जो पेट्रोलियम और गैस की जो मिनिस्ट्री है वो इनके पास है। नेक्स्ट है, हु been appointed as a deputy election commissioner in the election commission of India? अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन से रिलेटेड तो ये हमारा आता है 324 में। और अब बात कर लेते हैं कि किन्हें अपॉइंट किया गया हाल ही में, तो उनका नाम है उमेश सिन्हा। Which company will launch the satellite named Amazonia made entirely by the Brazilian Space Agency? हमसे यहाँ पूछा गया है कि कौन सी कंपनी ने ये बनाया है, कौन सी कंपनी से लॉन्च करने वाली है, ठीक है? क्या नाम है इसका? इसका नाम है अमेजोनिया, जिसे बनाया गया है ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। लेकिन इसे लॉन्च कौन करेगा? इसे लॉन्च करेगा इसरो, ठीक है? और ये बात भी ध्यान में रखेंगे कि इसके साथ साथ 18 और सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, इन स्टेट वॉज द रिवर क्रूज नेम्ड मुकुट ऑफ ब्रह्मपुत्र? ठीक है, किसे नाम दिया गया मुकुट ऑफ ब्रह्मपुत्र? असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और उड़ीसा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा असम, ठीक है? तो ये ध्यान में रखेंगे आप। द ऑथर ऑफ बुक टाइटल सबरीमाला विजना अन्नकोशनम? तो ये बुक का टाइटल है और हमसे पूछा गया है उनके ऑथर के बारे में। तो हमारे को चार ऑप्शन दे रखे हैं, रस्किन बोन, अरुंधति रॉय, झुम्पा लहिरी, के एस विजयनाथ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? के एस विजयनाथ। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म विल बी इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सी स्टेट में बनने जा रहा है, इनोग्रेट होने वाला है? तो वो होने वाला है कर्नाटका में। इंडिया हैज रिसेंटली सेंट रिलीफ मटेरियल टू विच साइक्लोन अफेक्टेड कंट्री? अब वो कौन सी कंट्री है जो साइक्लोन से अफेक्ट हुई है बहुत ज्यादा, और वहां पर रिलीफ फंड दिया गया है इंडिया के द्वारा, इंडिया आगे बढ़ा हेल्प के लिए? तो कौन सी कंट्री है वो? इंडोनेशिया, अफ्रीका, फिजी या श्रीलंका? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका करेक्ट ऑप्शन है फिजी। द मलाला यूसुफ़ज़ई स्कॉलरशिप एक्ट हैज बीन पास्ड बाय विच कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ पाकिस्तानी डिस्पोज ऑफ फीमेल? तो ये किसने किया है? यूनाइटेड स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है ताकि जो पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। द रिजर्व रिमेन्स ऑफ आइस एज वूली राइनो वर फाउंड इन विच नेशन? तो कहाँ पर है ये? तो ये पाया गया है हमारा रशिया में। Appointed as the new Chief Justice of the Common High Court for Jammu Kashmir and Ladakh?
जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हाई कोर्ट है वो कॉमन है, तो हाल ही में अपॉइंट किया गया है वहां के चीफ जस्टिस को। तो वो कौन है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है पंकज मित्तल। पहले कौन थी? गीता मित्तल, और अब है पंकज मित्तल। टेस्ला रिसेंटली लॉन्च इट्स लार्जेस्ट सुपर चार्जर फैसिलिटी। कहाँ पर लॉन्च करने वाला है अपना सुपर चार्जर फैसिलिटी को, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, टेस्ला तो आपको पता ही है कितना हाल ही में कितना ही ज्यादा चर्चा में रही है ये कंपनी। तो अब इन्होंने क्या क्या काम किया है, इन्होंने बैटरी वाली व्हीकल्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं जिन्हें सिर्फ चार्जिंग की जरूरत है, किसी पेट्रोल की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए एक फैसिलिटी भी होनी चाहिए। किस चीज़ की होनी चाहिए? सुपर चार्जर्स की होनी चाहिए। तो ये कहाँ पर शुरू करने वाला है, कहाँ पे लॉन्च करने वाला है अपनी सुपर चार्जर फैसिलिटी? तो ये कहाँ करने, ये है चाइना के। और बात कर लेते हैं कितने किलोवाट का होगा ये, तो होगा 120 किलोवाट। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज डिसकंटिन्यू द रेलवे फेयर रिबेट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। जैसा कि आपको पता है कि एक हर एक गवर्नमेंट सेक्टर में एक स्पोर्ट्स कोटा होता है जहाँ पे स्पोर्ट्स के बेसिस पे उनको जॉब दी, स्पोर्ट पर्सन को जॉब दी जाती है, तो उनको वहाँ पर कुछ परसेंट का रिबेट दिया जाता है। लेकिन अब उस रिबेट को कैंसिल कर दिया गया है, अब वो रिबेट किसी को नहीं दी जाएगी। तो हमसे यही पूछा गया है कि ये किस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। पोटेंशियल फर्स्ट केस ऑफ अ न्यू एंड डेडली डिजीज एक्स हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच नेशन। तो कहाँ पर पाया गया है? तो ये पाया गया है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। रमेश पोखरियाल एंड समृद्धि रानी जॉइंटली लॉन्च 2021 टू प्रमोट टॉय मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। रमेश पोखरियाल और समृद्धि ईरानी मिलकर एक पोर्ट, एक आप बोल सकते हो एक स्कीम उन्होंने लॉन्च की है फॉर प्रमोटिंग द टॉय मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। बिकॉज आपको पता है कि जितने भी टॉयज होते हैं वो मोस्टली चाइना से लाए जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ने क्या किया है कि एक स्कीम लेकर आए हैं जहाँ पर इनको प्रमोट करना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉय इन इंडिया के लिए। तो हमसे पूछा गया है उसी चीज़ का नाम, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है टॉय कैथिन। विच सोशल मीडिया जायंट हैज एक्वायर्ड पॉडकास्टिंग ऐप ब्रेकर? तो किसकी है ये? ये है ट्विटर की। अब यहाँ पर आवाजें भी सुनाई देंगी, ठीक है? क्योंकि पहले तो क्या था, फोटोज वगैरह ही थी, बट कोई वीडियोज या मैसेज ऐसा कुछ नहीं था। बट लेकिन अब ट्विटर ने अपने लिए एक चीज और शुरू कर दी है, तो वो है ब्रेकर ऐप। नेक्स्ट हमारे पास है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, ठीक है? कौन है वो? तो उनका नाम है अलेक्जेंडर एलिस। विच स्टेट हैज लॉन्च एंड एम पेंशन ऐप? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एम है उसका नाम है मेरी पेंशन, ठीक है? मेरी पेंशन। तो इसमें क्या होगा, आपको ऑफिस में नहीं जाने की जरूरत कोई भी, आप इस ऐप के थ्रू अपनी जो पेंशन है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है इस ऐप को? तो इस ऐप को शुरू किया गया है मणिपुर में। स्टेट बिगिंस द कृषि संजीवनी वंस इन ऑर्डर टू टेस्ट सॉइल वाटर? तो उन्होंने क्या बिगिन किया, क्या किस चीज की शुरुआत की है? कृषि संजीवनी वन, जिसमें क्या देखा जाएगा, वहां पर टेस्ट की जाएगी वहां की मिट्टी की और वहां के पानी की। कहाँ शुरू किया गया? केरला, यूपी, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो ये शुरू किया गया है फ्रेंड्स कर्नाटका में। और कर्नाटका में ही क्या बनने वाला है, हमारा सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। सेंटर हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ कमिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ विच रीजन? तो कौन से रीजन के लिए ये सेंटर ने डिसाइड किया है कि एक कमिटी बनाई जाएगी जो प्रोटेक्ट करेगी वहां की लैंग्वेज को, कल्चर को और लैंड को? तो कहाँ की करेगी? वो करेगी लद्दाख की। नेक्स्ट है, विच सिटी धर्मेंद्र प्रधान हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड माइग्रेंट वर्कर सेल?
तो ये क्या है, वहां पर लेबर्स के लिए काम किया जाएगा। और धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लेते हैं, तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, इनके पास है पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्ट्री। तो साथ साथ हम रिवाइज करते हुए भी जा रहे हैं, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। तो जो माइग्रेंट वर्कर सेल है वो कहाँ पर है, जो कि इंडिया का फॉर द वेरी फर्स्ट है इन इंडिया, तो ये है सूरत में। विच बैंक विल एस्टैब्लिश फिनटेक इनोवेशन सेंटर FIC एट इट्स कैंपस विद द हेल्प ऑफ IIT कानपुर। तो कौन से बैंक में, सॉरी कौन, तो कौन सा बैंक इसमें आया है और उसने IIT कानपुर के साथ मिलकर ये चीज एस्टैब्लिश की है, फिनटेक इनोवेशन सेंटर। तो कौन सा बैंक है ये पूछा गया है, तो फ्रेंड्स वो है हमारा PNB। नेक्स्ट हमारे पास है, विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक। सतर्क नागरिक मतलब आप हर एक चीज को बहुत ध्यान से करें, बहुत ध्यान से देखें, हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, इस टाइप से। तो कहाँ पर किया है यह, तो फ्रेंड्स ये किया है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि आपको पता ही है जम्मू एंड कश्मीर में कुछ कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो उसके लिए। स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ स्लू ऑफ वेलफेयर स्कीम्स इंक्लूडिंग फ्री सैनिटरी पैड्स फॉर गर्ल्स। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री सैनिटरी पैड्स दिए हैं गर्ल्स को, इस स्कीम के तहत। तो कौन सी सरकार ने दिए, कौन से स्टेट की सरकार ने दिए, यही पूछा गया हमसे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पंजाब। स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैट हैज बीन रिसेंटली एडेड टू द लिस्ट ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो कौन सी वाइल्ड कैट को इस कैटेगरी में डाला गया है, क्या नाम है उस कैटेगरी की कैट्स का, तो उसका नाम है कैरकल, जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में भी रहा था, आपने सुना भी होगा, ये बहुत ज्यादा चर्चा में था। Who has become the first woman umpire to officiate men's test match? तो ये पहली वुमेन है, तो आपको पता ही है फर्स्ट हमेशा ही इम्पोर्टेंट होता है, तो इनका नाम है क्लेयर पुलॉस। प्रोफेशन ऑफ सत्य पोल हु हैज डाइड रिसेंटली। तो जो सत्य पोल है उनकी रिसेंटली हाल ही में जो है उनका निधन हो गया है, और हमसे यहाँ पूछा गया है कि वो किस प्रोफेशन से थे, तो फ्रेंड्स वो एक फैशन डिजाइनर थे जिनका नाम था सत्य पोल, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। व्हाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ द फतेह वन वेपन सिस्टम व्हिच वाज टेस्टेड फायर्ड बाय पाकिस्तान। तो इसकी रेंज पूछी गई है, तो इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। विच स्टेट हैज स्टार्टेड फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन एंड सीनियर सिटीजन अंडर यात्रा सारथी स्कीम। तो कहाँ पर शुरू की गई है ये, तो फ्रेंड्स ये शुरू की गई है हमारी असम में। यहाँ पर क्या होगा, जो वुमेन्स है और सीनियर सिटीजन है उनके लिए फ्री बस सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और ये भी पूछ सकते हैं यात्रा सारथी स्कीम कहाँ की है, तो ये असम की है। इसमें क्या है, इसमें फ्री सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, फ्री बस सर्विस प्रोवाइड की जाएगी फॉर द वुमेन्स एंड सीनियर सिटीजन्स। स्टेट हैज लोन कॉस्फॉर्म वेबसाइट फॉर कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो वो किसने शुरू किया है फ्रेंड्स, तो वो शुरू किया है हमारा मणिपुर ने। ठीक है, तो ये चीजें आप क्या है आपको ध्यान में होनी चाहिए, आप ध्यान रखेंगे इन सभी चीजों का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी ऑफ द UNSC इंडिया हैज सेट टू चेयर। काउंटर टेररिज्म कमिटी, तालिबान सेंक्शंस कमिटी, लिबिया सेंक्शंस कमिटी। तो सभी के लिए ये है, ये सभी को ही चेयर करता है। Who has dedicated the new coastal research vehicle Sagar Anveshika at Chennai port to the nation? तो किसने किया है, ये किया है हमारा, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी, इन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया
नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच डेट, कब मनाया जाता है वो मंथ, उनकी डेट्स बतानी है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है वर्ल्ड का 11% जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो सिर्फ इंडिया में होता है। रोड एक्सीडेंट से जितनी डेथ्स होती हैं उसका 11% पूरे वर्ल्ड का सिर्फ इंडिया से है। और डेली, अब मानो डेली का क्या लगा सकते हैं आप, हर एक मिनट बाद रोड एक्सीडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं कोई जान खो देता है, कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो रोड्स हैं वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है, कहीं कच्चे रास्ते हैं, कहीं पानी भरा है, कहीं गड्ढे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मोस्ट कॉमन थिंग ये है कि हाँ, ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं, तो ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर में ज़्यादा ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि किस दिन रोड सेफ्टी मंथ मनाया जाता है, कौन सा मंथ है वो, कौन सी डेट है, तो वो फ्रेंड्स है जनवरी 18 to 17 फेब। नेक्स्ट है, फेवरेट ऐप ऑफ ट्रंप सपोर्टर्स हैव बीन रिमूव्ड बाय अमेज़न, एप्पल एंड गूगल फॉर प्रमोटिंग वायलेंस। तो कौन सी एप्लीकेशन है फ्रेंड्स वो, तो वो है द पार्लर। विच कंट्री विल बी द कंट्री इन फोकस ऑफ 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो कहाँ की थी वो, बांग्लादेश। हम ये वीडियो जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, हमारे को और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना है, इसलिए इन चीज़ों को मैं बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर और जो उसके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके कुछ मेन टॉपिक्स ही बता रही हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम वाज लॉन्च फॉर विच माइंस, किच माइन, कौन सा माइन है ऐसा जिसके लिए यूज़ किया गया है हमारा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, तो वो है कॉल। नेक्स्ट, इन द कॉफी टेबल बुक ऑन पीएम मोदी लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ 2021 प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, इस दिन जो गांधी जी थे वो इंडिया वापस आए थे, तब से ये दिन मनाया जाता है, NRI डे मनाया जाता है, ठीक है। तो इस ओकेजन पे लॉन्च हुई है एक बुक, उसका नाम पूछा गया है, जो कि एक कॉफ़ी टेबल बुक है। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम अपने कॉफ़ी टेबल बुक की, जो हमारे कॉफ़ी टेबल बुक होता है ये क्या होता है, इसमें पढ़ने का कम होता है और पिक्चर्स होती हैं ज़्यादा देखने की। तो जैसे कि आपको पता है हर किसी को पिक्चर्स देखना तो बहुत पसंद है लेकिन पढ़ना बहुत कम लोगों को पसंद है, तो उनके लिए ये होती है कॉफ़ी टेबल बुक्स, जो कि किसके बारे में है, पीएम मोदी के बारे में। तो बात कर लेते हैं इसके नाम की, तो इसका नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। इंडिया रैंक, हमसे इंडेक्स से क्वेश्चन आया है कि इंडिया का रैंक क्या है इन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 का। तो जो इंडिया का इंडेक्स का रैंक है वो 85th है, और जो टॉप पर है वो कौन है, टॉप पे चल रहा है जिसका पासपोर्ट वो है जापान। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू वेव एंटरटेनमेंट टैक्स, तो उन्होंने क्या, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने डिसाइड किया है कि जो एंटरटेनमेंट टैक्स है उसको घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर 50% तक उस टैक्स को घटा दिया गया है, कहाँ पर घटाया गया है फ्रेंड्स, तो ये घटाया गया है केरला में, और केरला को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा मसाले पाए जाते हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखेंगे। गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डेवलप पिपली एज अ टूरिज्म हब, अब कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पिपली को एक टूरिज्म हब बना देना चाहिए, तो फ्रेंड्स पिपली है ये हरियाणा में है और कुरुक्षेत्र के नियर है। कुरुक्षेत्र तो आप सभी को पता ही होगा कि बहुत ही फेमस प्लेस है महाभारत के लिए। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि कौन सी गवर्नमेंट ने किया, अब हरियाणा में तो कॉमन सी बात है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया कि इसको एक टूरिज्म हब बना दिया जाए। लॉन्च खादी नेचुरल पेंट डेवलप्ड बाय KVIC, तो KVIC ने एक पेंट डेवलप किया है जिसका नाम दिया है खादी नेचुरल पेंट, जिसमें काउडंग का यूज किया, गाय के गोबर का यूज किया गया है,
और हमसे यहाँ पूछा गया है कि इसे लॉन्च कौन करने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसे कौन लॉन्च करेगा? इसे लॉन्च करेंगे नितिन गडकरी। Appointed as the head committee of administration of COVID-19 vaccine. तो इसके हेड को कौन अपॉइंट हुए हैं? तो यही चीज हमसे पूछी गई है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है आरएस शर्मा। Where has been the first ice climbing festival held recently? तो हाल ही में जो पहला ice climbing festival है वो मनाया गया है, वो कहां पर मनाया गया है? वो मनाया गया है ले में। Which edition of Indian Coastal Defence Exercise Sea Vigil 2021 has been held by the Navy of India? तो इसका कौन सा एडिशन था ये इस बार का? तो इसका सेकेंड एडिशन था। Which country organized fourth One Planet Summit 2021 with the UN and World Bank? ये पूछा गया है, तो किसके साथ किया गया? ये किया है फ्रांस के साथ। ये फ्रेंड्स इंडिया है, ये हम ठीक कर देते हैं। Who has the author of the book titled The Population Myth, Islam, Family Planning and Politics in India? तो ये उस बुक का टाइटल है, बहुत ही लंबा चौड़ा, और हमसे इसे पूछा गया है इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है फ्रेंड्स एस वाई कुरेशी। इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इंडिया का जो फर्स्ट फायर पार्क है वो कहाँ पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया भुवनेश्वर में। Which state-run company will take over the Ranjit fourth hydroelectric project in Sikkim? जो सिक्किम का hydroelectric project था उस पे किसने take over कर लिया, कौन सी कंपनी ने? तो वो किया है NHPC ने। India's first indigenous machine pistol ASMI developed by? तो इंडिया की जो ये पहली मशीन पिस्टल है जो इंडिया द्वारा बनाई गई है, ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है वो असमी है। और किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसे डेवलप किया गया है इंडियन आर्मी एंड डीआरडीओ के द्वारा। रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च क्लीन सिंधु सागर इनिशिएटिव? तो ये कहाँ पे है फ्रेंड? त्रिपुरा, केरला, ओडिशा या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर देने की आप कोशिश करेंगे कि इसका आंसर है जो वो क्या हो सकता है इनमें से। तो इसके लिए हम आपको टाइम दे देते हैं एक मिनट का, तो आप बता सकते हैं हमारे को कि किसने किया है, कौन सी स्टेट ने किया है इसे। तो फ्रेंड राइट ऑप्शन क्या है इसका? ओडिशा। टू डेज परम स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट वाज हेल्ड, तो कहां पर हुई थी ये समिट जो कि दो दिन की थी? ये न्यू दिल्ली में हुई थी। टोटल आउटले ऑफ द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो जो प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना है उसका जो टोटल आउटले है वो कितना था? तो उसका जो टोटल आउटले है फ्रेंड्स पता 948.90 करोड़। स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स न्यू फ्लैगशिप रॉकेट H3 इन 2021, तो वो कौन सी है फ्रेंड्स? तो वो है जाक्सा। जाक्सा कहाँ की है? जापान की, ठीक है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग फाउंड इन विच कंट्री, तो वर्ल्ड की सबसे पुरानी पेंटिंग पाई गई है कौन सी कंट्री में जो लगभग 50,000 साल पुरानी है? तो फ्रेंड्स ये पाई गई है इंडोनेशिया में। जापोरोव सादर नर्को जोविच वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री, कहाँ के प्रेजिडेंट इलेक्ट हुए हैं ये? ये हुए हैं किर्गिस्तान के। वॉज द 100 डे इन हेवन टू प्रमोट उत्तराखंड टूरिज्म, तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कोविड के चलते सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा सेक्टर हुआ है? टूरिज्म सेक्टर हुआ है।
वैसे तो सभी सेक्टर अफेक्ट हुए हैं, बट मोस्टली टूरिज्म हुआ है, क्योंकि कोई भी इंसान कहीं आ जा नहीं सकता। तो इसके लिए उत्तराखंड में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया है 100 डेज इन हेवन। तो इसे कौन प्रमोट करने वाला है? तो इन्हें प्रमोट करने वाले हैं अमिताभ बच्चन जी। हु वॉज अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? तो किसको मिला है? ये मिला है रवि गायकवाड़ जी को। तो फ्रेंड्स, जो ये अवार्ड्स हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए भी हमने वीडियो बनाई है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, छोटी सी वीडियो, और उसमें हमने 2021 की और 2020 के कुछ इम्पॉर्टेंट जो अवार्ड्स हैं, जो लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सभी लिए गए हैं। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। वाज द INPEC-81 विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली? तो हमसे पूछा गया, ये हाल ही में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था, ये क्या चीज़ थी जिसका नाम था INPEC-81? तो फ्रेंड्स, ये एक नेवल क्राफ्ट था। डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? तो कौन से सेक्टर से बिलोंग है? तो फ्रेंड्स, ये मैरिटाइम से, जैसे कि आपको पता है, कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्शन के लिए, एक जगह से दूसरी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या किसी के लिए इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए पाइपलाइंस बिठाई जा रही है अंडर वाटर, तो ये उसी से रिलेटेड है। Who has been appointed as the new managing director of the Life Insurance Corporation, LIC of India? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंते। India's first center for wetland conservation and management has been set up in which Indian city? तो कौन सी सिटी में सेटअप होने वाला है इस चीज का? इसका होने वाला है चेन्नई में। Proposed a plan to develop Little Andaman Island as a tourism hotspot. The tourism hotspot के लिए एक छोटा सा island बनाया जा रहा है, जिसे नाम रखा जाएगा Little Andaman Island. तो ये किस organization की तरफ से ये plan आया है? तो ये आया है नीति आयोग की तरफ से। Next है, what is the new height recorded in India's foreign portfolio investment FPI as of 2020? 2020 के अनुसार है ये कितना है? 31.7 USD बिलियन। टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड स्टार्टअप स्कूल। तो कौन सी है हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी? तो फ्रेंड्स, ये है गूगल। विच वर्ड सिलेक्टेड एज ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020? तो फ्रेंड्स, वो है हमारा संविधान। सॉरी फ्रेंड्स, संविधान नहीं है, ये है हमारा आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता इज अ करेक्ट ऑप्शन, इसे माना गया है 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ एशियन कैट एज पर IUCN रेड लिस्ट, तो ये क्या है? वल्नरेबल, वल्नरेबल। तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट एंड यूटी? तो फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड में है, और हम बात कर लेते हैं ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कौन से रिवर पे है? तो फ्रेंड्स, ये धूली गंगा पे है, और इसको किसके अंडर, कौन सी कंपनी के अंडर आता है? तो ये आता है NTPC। तो जो प्रोजेक्ट पर जो काम चल रहा है वो कौन सी कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है? NTPC के द्वारा। स्वावलंबन सशक्त मेगा कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया एंड विद होम। पूछा गया है, तो इसमें कौन है साथ? सेठ भी, जिसमें क्या 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 चीज़ है कि वुमेन्स को इनकरेज किया जाएगा आगे करने का? अगर कोई वुमेन अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती है बट वो फाइनेंशियली
इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसमें उसे 1 लाख से 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेस को सेट कर सके। Which country have test fired surface to surface cruise missile named Babar? तो किसने किया है ये? पाकिस्तान में। When is the World Radio Day celebrated across the world? तो कब मनाया जाता है? 13 फेब को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। What is the INS Karanj which was making news recently which reference to Indian defense? ठीक है, तो वो है स्कॉर्पियन सबमरीन। जवानी पोर्टल विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली वॉज लॉन्च बाय द विच यूनियन मिनिस्ट्री, तो किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। हु सक्सेडेड गुलाम नबी आजाद एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा, तो कौन है वो? वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। विच is to host a virtual SAARC meet to discuss on management and response of COVID-19, तो वो कौन है फ्रेंड्स? तो वो है इंडिया। धुबरी पुलबरी ब्रिज व्हिच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज टू बी बिल्ट ओवर व्हिच रिवर, धुबरी पुलबरी ब्रिज है वो कौन से रिवर पे बनाया गया ये पूछा गया, तो फ्रेंड्स ये बनाया गया ब्रह्मपुत्र पे। वर्ड इज सिलेक्टेड एज ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पहले भी हो गया, ये रिपीट हो गया, तो इसका कौन सा ये हमारा आत्मनिर्भरता। इंडियन नेवी कंडक्टेड पासेज, इसे जिसे पैसेज भी बोला जाता है, तो ये एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के बीच हुई है, इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ की है ये पूछा गया हमारे। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा कि किसने किया है, तो ये फ्रेंड्स हुई है हमारे इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ हुई है? इंडोनेशिया के साथ। व्हाट इज द मिशन इंद्रधनुष 3.0 व्हिच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, तो कौन सा है? वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। अटल पर्यावरण भवन हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच यूटी, तो कहाँ पर इनोग्रेट हुआ है ये? तो ये हुआ है हमारा लक्षद्वीप पे। विच कंट्री हैज फॉर्मली रिजॉइन द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट रिसेंटली, तो ये रिजॉइंट हुआ है द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट रिसेंटली, हाल ही में हुआ है, तो किसके साथ हुआ है ये? कौन सी और कंट्री है? तो ये यूएसए हुआ है, यूएसए एंड पेरिस। किस किस के बीच में? पेरिस और यूएसए के बीच में हुआ है, रिज्वाइंट किया गया है इस क्लाइमेट एग्रीमेंट को। इंडिया साइंड अ $50 million लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर मैरिटाइम कैपेबिलिटी बिल्डिंग, तो फ्रेंड्स ये शुरू किया है इसने मालदीव्स के साथ। फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री विद विच इंडिया साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो फ्रेंड जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ये होता है कि हमारा जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा उस पर किसी भी तरह की कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, इसको कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये किस किस के साथ हुआ है? तो फ्रेंड्स ये हुआ है मॉरिशियस के साथ। मॉरिशियस और इंडिया के बीच में हुआ है हमारा एक फ्री एग्रीमेंट जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। रिसेंटली द गूगल डूडल ऑनर ऑफ डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ ही वाज एसोसिएटेड विद इन्वेंशन विद ऑफ विच गेम, तो आपको गूगल डूडल के बारे में पता होगा, जैसे गूगल पे तरह तरह के होते ना अलग अलग गूगल नेम लिखा होता है, कभी किसी का फेस आता है या कुछ भी ऐसी तरह की चीज़ें आती है, कैरेक्टर्स कोई भी आता है, तो उस चीज़ के लिए तो किस चीज़ से किया था उन्होंने? उन्होंने तो बास्केटबॉल से इन्वेंट किया था।
Ghulam Mustafa Khan of Indian classical music has recently passed away at the age of. तो जो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जी थे ये इंडिया के एक क्लासिकल म्यूजिशियन थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। तो उनकी एज पूछी गई तो फ्रेंड्स उनकी एज थी 89। अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार एंटी ड्रग प्रोग्राम। जो बिहार का एंटी ड्रग प्रोग्राम है उसके ब्रांड एम्बेसडर को एम्बेसडर कौन चुना गया है? तो फ्रेंड्स ड्रग्स के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। हम बात कर लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर की, तो उनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? वो हैं ज्योति शर्मा। तो फ्रेंड्स ज्योति शर्मा जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बनी रही हैं क्योंकि इन्होंने 1200 किलोमीटर साइकिल पे अपने पापा को गुरुग्राम से दरभंगा लेकर आई थी। तो इन्हें साइकिलिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ब्रांड एम्बेसडर है एंटी ड्रग प्रोग्राम की। स्टेट हैज लॉन्च वन स्कूल वन आईएएस स्कीम। तो अब आप देखिए अगर वो ये चीज बोल रहे हैं कि एक स्कूल से एक आईएएस तो निकलेगा ही निकलेगा, तो वहाँ की पढ़ाई कितनी ज़्यादा अच्छी होने वाली है कि वो अपने वहाँ के स्टूडेंट्स पे कितना ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो हमसे पूछा गया है ये कौन से स्टेट की है, तो फ्रेंड्स ये उसी स्टेट की है जहाँ का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है, तो वो है केरला। What is the name of the bike ambulance launched by DRDO and CRPF? तो फ्रेंड्स इसका जो नाम है वो है रक्षिता। अब बात की है इसको लॉन्च की, किसने किया है? DRDO और CRPF ने। ये क्या है? ये है एक बाइक एम्बुलेंस। स्टेट गवर्नमेंट इनोग्रेटेड द फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल कॉल्ड कलरव। तो ये पहली बार मनाया गया है एक बर्ड फेस्टिवल, ये कौन सी स्टेट में मनाया गया है ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है बिहार में, तो ये ध्यान में रखिए क्योंकि ये पहली बार मनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के पार्ट वन के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि है जैन टू जून मैराथन करंट अफेयर्स का पार्ट वन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।